आज मैं आप लोगों को बताऊंगी डांस के कुछ डांस स्टेप्स हो। अब आप बोलोगे कि ये डांस स्टेप्स हो क्या होता है, तो मैं आप लोगों को समझा दूं कि जब हम डांस करते हैं तो कुछ डांस स्टेप ऐसी होती हैं जिन्हें हम हर सॉन्ग्स में लगा सकते हैं। जैसे मान के चलो कि कभी आप ऑन स्टेज डांस कर रहे हैं और आप 20 सॉन्ग में अपनी डांस स्टेप भूल चुके हो। अब आपको वह डांस स्टेप याद नहीं है जो आपको सॉन्ग में करनी हो। इस बीच आप इस स्टेप को लगा सकती हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। या फिर आप जब डांस करते हैं तो बीच में जो ट्यूनिंग आती है और आपको लगता है कि इसमें हमें मल्टीपल स्टेप लगाना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं डांस स्टेप्स को हम उन सॉन्ग्स के बीच में लगा सकते हैं। तो ये डांस स्टेप के कुछ हुक होते हैं जिन्हें हम किसी भी डांस सॉन्ग्स में लगा सकते हैं और अपने डांस को बेहतर बना सकते हैं। डांस के इन्हीं हुक में आगे बढ़ते हुए चलिए डांस की फर्स्ट स्टेप सीखते हैं कि किस तरह से हमें करना चाहिए। के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह सिंपल डांस स्टेप लाती रहूं और सिंपल वे में बताती रहूं, तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो को लाइक करना होगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग डांस वीडियो। तो देरी ना करें और फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। स्टेप में हमें अपना फुटवर्क किस तरीके से रखना है चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक पैर को हमें जमा के रखना है और एक पैर को इस तरह से आगे और फिर इस तरह से पीछे की ओर करना है। जब हम अपने पैर को पीछे की ओर करेंगे तब हमें इस तरह से उठा करके करना है। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मैं आप लोगों को हैंडवर्क बताती हूँ कि हमें डांस स्टेप में हैंडवर्क किस तरीके से करना है। हैंडवर्क हमें कुछ इस तरीके से करना है। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। मतलब एक बार हमें इस तरह से सामने की ओर अपने हाथों को इस तरह से ऊपर नीचे करना है। देखिए 1 then 2 3 4। साथ ही साथ हमारा पैर भी इसी हिसाब से चलेगा जैसे हमारे हाथ चलते हैं। देखिए किस तरह से 1 तो हमारा पैर इस तरह से आगे की ओर आएगा, 2 में हमारा पैर इस तरह से उठ करके पीछे की ओर जाएगा और हमारा हाथ भी अपने पैर के साथ में जाएगा। देखिए 1 2 3 4 इस तरीके। डांस करते हैं तब हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए, एकदम ऐसे टाइट नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हमारे डांस स्टेप में फिनिशिंग नहीं आती है। चाहे हम किसी सॉन्ग्स पर डांस करें या फिर भांगड़े पर करें या कैसा भी डांस करें, हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए। हमें अपने हाथों को भी बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट चलाना चाहिए, पैरों को भी बिल्कुल ढीले ढीले रखना चाहिए और साथ ही साथ अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल रखनी चाहिए जिससे हमारा डांस और भी अच्छा लग सके। अब डांस स्टेप में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को डांस की सेकंड स्टेप बताती हूँ। सेकंड स्टेप बताने से पहले एक बेसिक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत से लोगों का सिर्फ एक पैर ज्यादा चलता है और एक पैर कम चलता है। किसी किसी का राइट साइड का पैर ज्यादा चलता है तो किसी किसी का लेफ्ट साइड का पैर ज्यादा चलता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका जो पैर ज्यादा चलता है उसे हमें इस तरह से आगे नीचे करना चाहिए और जो पैर आपका कम चलता है उसे एक तरफ जमा लेना चाहिए। चलिए आप सेकंड स्टेप बताती हूँ। सेकंड स्टेप में हमें अपने एक पैर को जमा के रखना है और एक पैर को इस तरह से आगे और पीछे करना है, आगे और पीछे करना है अच्छे से। अब मैं आप लोगों को हैंडवर्क बताती हूँ।
हेलवन का हमें कुछ इस तरीके से करना है, एक हाथ को इस तरह से पीछे की ओर कर लेना है और एक हाथ को इस तरह से चेस्ट से लगा लेना है, देखिए वन। और जैसे ही हमारा पैर पीछे की ओर जाएगा तो जो हाथ हमारा पीछे की ओर है उसे हम सेकंड हाथ की तरह इसी तरह से चेस्ट से लगा लेंगे, टू, और पैर को पीछे की ओर कर लेंगे, देखिए वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। और साथ में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमें अपने हाथों को कुछ इस तरह से बंद कर लेना है, ऐसे खुले नहीं रखना है कि वन टू थ्री फोर, ये स्टेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने हाथ को इस तरह से बंद कर लेना है, दोनों हाथों को वन बाय वन इस तरह से करना है और पैर को इस तरह से आगे और पीछे की ओर करना है, देखिए किस तरीके से, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। हैंडवर्क हमें कुछ इस तरीके से करना है, जैसे ही हमारा पैर आगे की ओर आएगा हम अपने एक हाथ को इस तरह से चेस्ट से लगा लेंगे, हाथ हमारा इस तरह से बंद रहेगा और एक हाथ को इस तरह से पीछे की ओर कर लेंगे, और जैसे ही हमारा पैर पीछे की ओर जाएगा तो हम अपने दूसरे हाथ को जो पीछे की ओर था उसे सामने की ओर ले आएंगे और जो हाथ हमारा सामने की ओर था उसे पीछे की ओर ले जाएंगे, देखिए किस तरीके से, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। साथ ही साथ में आप लोगों को बता दूं इसे हम राउंड बाय राउंड भी कर सकते हैं, देखिए राउंड बाय राउंड किस तरीके से करना है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। डांस के हुक में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ थर्ड डांस स्टेप, चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। स्टेप बताने के साथ साथ मैं एक बात ध्यान रखती हूँ कि मैं आप लोगों को ऐसे डांस स्टेप बताऊं जिन्हें आप एक बार देख करके समझ लें और करना सीख भी जाए। मैं आपके लिए डिफरेंट डांस स्टेप इसलिए नहीं लाती हूँ क्योंकि क्या पता आप एक बार में ना सीख पाए और घबरा जाए और डांस से अपना मूड ही चेंज कर ले, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सिंपल डांस स्टेप लाती हूँ। तो चलिए थर्ड स्टेप मैं आप लोगों को बताती हूँ और साथ ही साथ आप अपने मूड को इसी तरह बनाए रखें और घर बैठे डांस करना सीखते रहें। फुटबॉल हमें कुछ इस तरीके से रखना है, एक पैर को जमा के रखना है और एक पैर को इस तरह से एड़ी को उठाते हुए रखना है, साथ ही साथ जो हमारा पैर जमा हुआ है उसे हल्का हल्का हमें अप डाउन भी करना है, देखिए किस तरीके से, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। इस तरह से पैर हम ज्यादातर तब चलाते हैं जब हमें कोई डांस स्टेप राउंड बाय राउंड करना हो, तो आप लोग याद रख लें कि हम इस तरह से अपने फुटबॉल कब चलाते हैं जब हमें कोई डांस स्टेप राउंड बाय राउंड करना हो, तो यस ये डांस स्टेप हमें राउंड बाय राउंड ही करनी है। चलिए अब मैं आप लोगों को हैंडवर्क बताती हूँ। हैंडवर्क में हमें अपने हाथों को इस तरह से चलाना है, वन टू थ्री फोर, 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 वन टू थ्री फोर। इस तरह से हमें यह डांस स्टेप करना है।
चाहते हैं कि आपकी YouTube फैमिली आगे बढ़े और साथ ही साथ मेरा मन आप लोगों में इतना लग जाए कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर डांस वीडियो लाने लगूं, तो इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना होगा। और आप मुझे किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, चलिए आज मैं आप लोगों को बताने देती हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप में मेरी वीडियो को शेयर करके, जिससे वह घर बैठे डांस करना सीख सके। जल्दी मैं आप लोगों के लिए और अच्छी डांस वीडियो लाऊंगी। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट में बता दे रहे हैं कि आप लोगों को किस तरह की डांस स्टेप चाहिए या कौन से सॉन्ग्स पर डांस ट्यूटोरियल चाहिए।